जीवन में प्यार है तो तुम खुश हो। जीवन से प्यार दूर चला जाए, प्यार रूठ जाए, प्यार झगड़े करने लग जाए, किसी और के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाए, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में तलाक की नौबत आ जाए, या शादीशुदा जीवन जीना मुश्किल पड़ जाए घर परिवार वालों की वजह से, या ससुराल वालों की वजह से, या अपने पार्टनर की किसी गलत चीजों की वजह से तुम्हारा जीवन नरक बनता चला जा रहा है, तो आज का दिन आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। यहां हर हाल में आपके जीवन में प्यार भरने का साधन, समस्याओं का समाधान पूरी तरह से बताया जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी रिंग फिंगर और अपनी फर्स्ट इंगेज फिंगर, इन दोनों उंगलियों को आपस में बांध कर बोल दें ये मंत्र, आपके जीवन में हो जाएगा सारा का सारा बवाल समाप्त। आज अगर इन दोनों उंगलियों को मिलाकर आपने ये शब्द बोल दिया तो आपका प्यार आपके वश में हो जाएगा। अगर आपने इन दोनों उंगलियों को मिलाकर ये शब्द बोल दिया तो आपके अपने जीवन में प्यार, रिलेशनशिप, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपका प्रेमी, जो भी आपके रिलेशन में है, जो भी आपके रिश्ते में है, वो सदा के लिए आपका हो जाएगा। उसका आकर्षण होगा, सम्मोहन होगा और आपके जीवन के लिए वो सदैव बंध के रह जाएगा, पूरी तरह से गठबंधन हो जाएगा उसका। अगर रिश्ता 7 जन्मों का है, अगर जन्म जन्मांतर के रिश्ते होते हैं, अगर प्रेम सच्चा है, अगर भगवान रिश्ते बनाता है, अगर जोड़ियां आसमान में बनती हैं, ये सारी की सारी बातें सत्य है, तो बस ये रिंग फिंगर जिसका कनेक्शन सीधा तुम्हारे दिल से और तुम्हारे हार्ट से है, और ये फर्स्ट फिंगर जो तुम्हारे बृहस्पति और गुरु का रिप्रेजेंटेटिव है, इन दोनों उंगलियों को बांध कर ये शब्द केवल उच्चारण कर दीजिए, आपके अपने जीवन में प्यार 100% आएगा। ये जो उंगली है रिंग फिंगर, थोड़ी सी बात समझ लीजिए, बस सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं आपको। रिंग फिंगर आपके सीधा दिल से, हार्ट से कनेक्शन रखती है, इसीलिए एंगेजमेंट यही होती है और यही पूजा पाठ में लगती है, क्योंकि हृदय में या तो भगवान रहता है और या तो हमारा प्रेम भगवान रहता है, दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं रहता हृदय में, उसकी ये उंगली है। फर्स्ट फिंगर आपके अपने गुरु की है, बृहस्पति की है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह। विवाह के लिए शुक्र और बृहस्पति दोनों का होना बहुत आवश्यक। अगर आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, आपके पार्टनर के घर वाले राजी नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपके पार्टनर के घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन आपको बहुत ज्यादा दंश दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, समस्याएं दे रहा है, तकलीफें दे रहा है, तो बस आज का दिन आपका है। आपको इस बात को समझना होगा कि आज आपके रिलेशन को विश्व की कोई भी शक्ति काट नहीं पाएगी। अगर आपके अपने जीवन में ये प्यार आया है तो भगवान ने दिया होगा। भगवान की इच्छा के बगैर कोई भी पत्ता नहीं अगर हिलता तो इतने समय तक तुम्हारा रिलेशन चला कैसे, इतने समय तक ये सब चीजें चली कैसे, आज भी तुम्हारा दिल धड़कता कैसे है उनके नाम पर, आज भी तुम्हारे चेहन पर कितनी भी बुराइयां कर लो, कितनी भी तुम बातें बना लो, कितनी भी उनके बारे में बातें कह लो, उसके बावजूद भी तुम कैसे टूट जाते हो उनके नाम पर, कैसे तुम बिखर जाते हो उनके नाम पर, ऐसा होता क्यों है? ये सच्चे वास्तविक रियल प्यार की पहचान है। ऐसा तभी होता है क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा है। प्यार को भगवान की इबादत, साधना और पूजा से कम नहीं समझा जा सकता, ये उससे ज्यादा बड़ा है। भगवान प्यार ही तो सिखाते हैं, ईश्वर प्यार के अलावा और कुछ नहीं सिखाता और कुछ नहीं बताता। तो जल्दी से जान लीजिए वो शब्द, जल्दी से समझ लीजिए वो बात जो आपको बोलना है, बस इसको आपस में जोड़ लीजिए। इसको जोड़ने के पहले बस एक बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों कहने में तो पूरा हाथ अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए, पहले से ये सुनिश्चित कर लीजिए कि दोनों उंगलियां आपकी विशुद्ध होनी चाहिए, एक रिंग फिंगर और एक इंडेक्स फिंगर, ये दोनों उंगलियां आपस में बांध कर आपको जो मैं बोल रहा हूं ये शब्द 7 बार उच्चारण करना है। क्या बोलना है आपको? कहना है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परम वैश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान।
इस मंत्र का उच्चारण करना है, इस उच्चारण को बोल देना है, बस 7 times ये बात बोल देनी है। एक बार करके देखो, मजा आए तो कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि ये जीवन पर्यंत करने की चीजें हैं। इसे करने के बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं बचती। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे। ये कभी भी किया जा सकता, किसी भी दिन किया जा सकता, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी किया जा सकता, बार बार भी किया जा सकता है। इसे पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। गुरु के आदेश की आवश्यकता होगी, पूरी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होगी। इष्ट के प्रति बहुत निरंतरता रखिएगा, खुश रहिए, पानी पीजिए, सुंदर बनने की कोशिश करिए। पैसों का आदान प्रदान करने से रिश्ते खत्म होने की दिशा में उसी दिन सुनिश्चित हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार रोने से, एक बार परेशान होने से 21 दिन का उपाय सोल्यूशन खराब हो जाता है। मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करना। शेर बनो, तुम्हारा काम होगा ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, जहां सर्वोसर प्रेम है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री महर्षि महेश योगी जी के दिव्य आशीर्वाद से राष्ट्र की समृद्धि, शांति एवं विकास हेतु श्री राम कथा एवं विष्णु महायज्ञ का आयोजन परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अलौकिक लीलाओं का वर्णन, साथ ही विष्णु महायज्ञ का आयोजन दिनांक 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, स्थान महर्षि आश्रम नोएडा सेक्टर 110, आयोजक महर्षि आश्रम, कथा श्रवण करें, समय सायं 3 से 6 तक एवं यज्ञ का समय 9:30 से 12:30 तक। इस कथा का सीधा प्रसारण देखिए सतगुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर, डी लाइव देखें वैदिक चैनल पर 1:00 से एवं आस्था पर 11:20 से। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202, 6391292929।